सो गाइस फाइनली इंडिया में टिकटॉक स्नैक वीडियो ऐप का बाप आ चुका है टिकी शॉर्ट वीडियो ऐप। टिकी शॉर्ट वीडियो ऐप इंडिया में 15 फरवरी 2021 को रिलीज किया गया है एंड गूगल प्ले स्टोर से इसको बहुत तेज़ी के साथ डाउनलोड किया जा रहा है और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। सो गाइज आपको गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर ओपन करते हो तो सर्च बार में आपको सर्च करना है टिकी शॉर्ट वीडियो। जैसे ही आप ये सर्च करते हो फर्स्ट पर आपके सामने टिकी ऐप आ जाएगा। देन यहाँ पर हम इस ऐप पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसकी हमारे सामने सभी इन्फॉर्मेशन आती है। सो गाइज टिकी ऐप की रेटिंग की बात की जाए तो 4.4 की इसकी रेटिंग है एंड इसके रिव्यू की बात की जाए सो गाइज यहाँ पर जहाँ तक मैंने रिव्यू चेक किया है तो सभी का ये कहना है कि ये ऐप एकदम बेस्ट है और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा रैंक करेगा। सो गाइज मैंने इसके रिव्यू चेक किया है तभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको कोई भी ऐसा ऐप सजेस्ट नहीं करता जो कि आपको लाइफ बर्बाद करता है। सो गाइज काफ़ी हद तक ये ऐप सही है। एंड गाइज इस ऐप की डाउनलोड वर्जन की बात की जाए तो 42 MB का इसका डाउनलोड वर्जन है। एंड गाइज आप सभी को मैं बता दूँ 15 फरवरी को इसको इंडिया में रिलीज़ किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो 50K इसके डाउनलोडर्स हो चुके हैं। बहुत तेज़ी के साथ इस ऐप को डाउनलोड किया जा रहा है। एंड गाइज इसके बारे में हम और भी जानेंगे। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो 1.0.2 का इसका वर्जन है। एंड गाइज इसका न्यू अपडेट आया है 20 फरवरी 2021 को। एंड गाइज आप यहाँ पर इसकी रिलीज़ डेट देख सकते हो, इस ऐप को 15 फरवरी 2021 को रिलीज़ किया गया है। ये ऐप आपसे कह कह की परमिशन लेता है, कैमरा, कॉन्टेक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन, टेलीफोन, स्टोरेज, अदर ये सब लेता है आपसे इंफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पर आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर हम ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। सो गाइस जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हो यहाँ से आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करते हो फर्स्ट टाइम में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। सो गाइस सबसे पहले आपको इस पर अपनी आईडी बनानी है। सो गाइस आपको यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करते हो यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। देन यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर आप गूगल वगैरह से लॉगिन करना चाहते हो उससे कर सकते हो। यहाँ से मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। फाइनली यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है। यहाँ पर एक OTP आएगा, ऑटोफिल हो गया है। फाइनली हमारी आईडी बन चुकी है। एंड गाइस यहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपको ऐसा देना है जो आपके लाइफ टाइम याद रहे। फाइनली यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया है एंड डन कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आपको अपनी आईडी का यूजर नेम देना है। यूजर नेम आपको वो देना है जो कि आपको अच्छा लगे, जो कि आप अपनी हर एक आईडी पर देते हो। देन आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल लगा देनी है। तो यहाँ पर आपको अपलोड ए प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है, अगेन अलाउ कर देना है। टेक ए यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा अपनी गैलरी से। तो यहाँ पर चूज़ फ्रॉम एल्बम पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर मैं कोई भी अपनी एक पिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर आपको डन कर देना है। सो गाइस फाइनली हमारी आईडी क्रिएट हो चुकी है। और गाइस यहाँ पर आपको एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अच्छे से अपनी आईडी को एडिट करना है। सो गाइस यहाँ पर आपको चेंज अवतार यानी आप अपनी प्रोफाइल जो आपने स्टार्टिंग में लगाई है वो आपने टेम्पररी लगाई है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पर आप अगेन उसको चेंज कर सकते हो। जैसे ही आप चूज़ फ्रॉम एल्बम पर क्लिक करोगे यहाँ से आपको उसको चेंज कर लेना है। मैं चेंज नहीं करूँगा। एंड गाइस यहाँ पर आपको अपनी आईडी का यूजर नेम दे देना है जो कि आपका निक नेम है वही आपको देना है। मैं अपना निक नेम यही दे देता हूँ। यहाँ पर टेक्निकल सेव यहाँ पर आपको सेव कर देना है। एंड यूजर नेम हमने स्टार्टिंग में दे दिया था, यदि आपने रॉन्ग दिया है तो यहाँ पर आप अगेन क्लिक करके अपना यूजर नेम चेंज कर सकते हो। बायो में आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं देना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। इसका आपको क्या बेनिफिट होगा, जैसे ही आपके इस ऐप पर अच्छे फॉलोअर्स हो जाते हैं तो कंपनी जब आपसे कॉन्टेक्ट करेगी आपके ईमेल के थ्रू करेगी। तो यहाँ पर आपको बायो में अपनी ईमेल दे देनी है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल दे देनी है। देन यहाँ पर आपको राइट योर बर्थडे, आपका जो बर्थडे है वो डेट आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है।
जेंडर में आप जेंट्स हो फीमेल हो, तो यहाँ पर हम तो भाई जेंट्स है फीमेल तो नहीं है, यहाँ पर हम मेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस इतना सब करने के बाद आपको बैक कर देना है, देन यहाँ पर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करने है। यहाँ पर आपको फर्स्ट पर ऑप्शन दिया जाता है क्लीन स्टोरेज। गाइस आपके आपने यहाँ पर कितनी MB यूज़ किया है, मतलब जितनी वीडियो आप यहाँ पर देखोगे वो यहाँ पर सब ऐड किया जाएगा, यहाँ से आप क्लीन कर सकते हो इस तरीके से, वो सब यहाँ से क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आप ऑटो ही रखिए। यदि यहाँ पर आप HD सिलेक्ट करते हो तो होता क्या है, आपकी जो नेट स्पीड है वो कम ज़्यादा होती रहती है। यदि आपकी नेट स्पीड कम होती है आपने HD पे कर रखा है तो आपकी जो वीडियो है वो वहाँ पर इस तरीके से घूमने लग जाएगी, गोल धारा वहाँ पर आ जाएगा, पहिया सा वो वहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ पर मैं आपको ऑटो सिलेक्ट करूँगा, यदि आपकी नेट स्पीड अच्छी आती है यहाँ पर आप HD सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको नीचे की ओर थर्ड पर सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। सो गाइस यहाँ पर आपको अकाउंट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको लिंक अकाउंट, यहाँ पर आपको अपने Gmail ID से इसको लिंक कर लेना है ताकि टेकी ऐप की जो टीम है आपसे कॉन्टेक्ट करे, वो Gmail के थ्रू आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया। और जो पासवर्ड आपने वहाँ पर दिया था आप उसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको चेंज कर लेना है, जो पासवर्ड आपने वहाँ पर पहले दिया था तो ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल कर देना है जो आपने स्टार्टिंग में दिया था, और न्यू पासवर्ड जो आपको चेंज करना है वो यहाँ पर आपको देकर यहाँ पर आपको डन कर देना है। आगे इसकी पॉलिसी के बारे में लिखा है, देखिए गाइस यहाँ पर हम पॉलिसी के बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। एंड गाइस आप लॉग आउट करना चाहते हो इस ऐप से ID को तो लॉग आउट कर सकते हो। यहाँ तक आप लोगों की सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको होम पेज पर टू ऑप्शन दिए जाते हैं, फर्स्ट फॉलो, जिसको आपने फॉलो किया हुआ है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, सेकेंड फॉर यू। एंड गाइस आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर आप जितना भी वीडियो देखोगे उन वीडियो पर आपको बहुत कम व्यूज़ एंड लाइक देखने को मिलेगा, बिकॉज़ ये ऐप एकदम न्यू है और इस पर जो ऑडियंस है आने लग रहा है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आपने इस ऐप पर विजिट कर लिया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कीजिए, आपकी हर एक वीडियो पर अच्छे व्यूज़ एंड लाइक आएंगे और आपका वीडियो वायरल होगा, क्योंकि इस पर न्यू ऑडियंस आने लग रहा है, उन सबको आपकी वीडियो दिखाई जाएगी और आपके यहाँ पर फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। एंड आपको बहुत कम फॉलोअर्स पर यहाँ पर ब्लू टिक भी मिल जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे फैंस को बहुत कम फॉलोअर्स पर ब्लू टिक भी मिल गया। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा जितना ज़्यादा आप वीडियो अपलोड कर सकते हो यहाँ पर कीजिए। आपको वीडियो अपलोड कैसे करना है, सो गाइस यहाँ पर आपको प्लस पर टैप करना है, जैसे ही आप प्लस पर टैप करते हो तो यहाँ पर ये सब परमिशन आपको अलाउ कर देनी है। यहाँ पर हमारे मोबाइल का कैमरा ओपन हो गया है। सो गाइस यहाँ पर आपको फर्स्ट पर स्विच का ऑप्शन दिया है, जैसे ही आप स्विच पर क्लिक करते हो तो आपका बैक कैमरा हो जाएगा, और जैसे ही अगेन स्विच पर क्लिक करते हो फ्रंट कैमरा हो जाएगा। सेकंड पर आपको टाइमर दिया गया है, आप टाइमर सेट सिलेक्ट कर सकते हो। थर्ड पर आप स्पीड, आप स्लो मोशन में वीडियो शूट करना चाहते हो फास्ट मोशन में। फोर्थ ऑप्शन आपको ब्यूटी का दिया गया है, यहाँ पर आप अच्छे से ब्यूटी, भाई यहाँ पर हम तो हैंडसम से लगने लगे हैं कुछ। फिफ्थ ऑप्शन आपको फिल्टर का दिया गया है, यहाँ पर आप फिल्टर वगैरह चेंज कर सकते हो, अच्छे अच्छे फिल्टर यहाँ पर दिए गए हैं। सो गाइस इतना सब सेटिंग करने के बाद यहाँ पर आपको, यदि आप वीडियो यहीं पर शूट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इस तरीके से वीडियो पर क्लिक कर देना है, आपका वीडियो शूट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, यहां पर अगर आपको गैलरी से वीडियो अपलोड करना है तो अपलोड पे क्लिक करना है। यहां पर मैं गैलरी से कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ये वीडियो ले लेता हूं, यहां पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप एडिट करना चाहते हो, म्यूज़िक चेंज करना चाहते हो, इफेक्ट डालना चाहते हो, फिल्टर डालना चाहते हो, कवर लगाना चाहते हो। देखिए कवर तो आपको ज़रूरी है लगाना, यहाँ पर आपकी वीडियो का जो कवर है वो सबसे अच्छा हो आपको लगाना है। सो गाइस इस तरीके से यहाँ पर आपको कवर लगाना है। एंड गाइस ऊपर आप कवर के कुछ लिखना चाहते हो जिससे कि आपका जो व्यूअर है आपकी वीडियो पर रुक जाए, तो यहाँ पर आप कवर पर वो सब लिख सकते हो। मैं कुछ नहीं लिखूंगा, यहाँ पर आपको राइट कर देना है, देन यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी वीडियो का एक कैप्शन लिख देना है, आपने अपनी वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन दी है, कौन सा सॉन्ग यूज किया है, कैप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको हैशटैग यूज करना है। गाइस यहाँ पर आपको हैशटैग कौन से लगाने हैं मैं आपको आगे बताऊँगा। सो गाइस यहाँ पर आपको फ़िलहाल मैं कोई भी हैशटैग ले लेता हूँ, टीकी, मैं फ़िलहाल यही लगा लेता हूँ टीकी। एंड गाइस ये सब करने के बाद आपको टाइटल हो गया, कवर हो गया आपका, देखिए टाइटल यहाँ से आपको लिखना था, मैंने आप लोगों को बता दिया टाइटल कवर हमारा हो गया है।
ये सब हमारा हो चुका है, जो जाता है आगे। ये सब हमारा हो गया है। एंड गाइस यहाँ पर आपको डायरेक्ट पब्लिक करना है तो यहाँ पर आपको पब्लिक कर देना है, प्राइवेट करना है तो प्राइवेट कर दीजिए। अभी जब आपको पब्लिश करना है जब कर सकते हो, अभी मुझे डायरेक्ट पब्लिक करना है तो पब्लिक पर रखना है। एंड गाइस यहाँ पर ये कुछ परमिशन आपको बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है आपकी वीडियो के साथ यहाँ पर कोई ड्यूट करे इसको अनेबल रहना है, सेकेंड ऑप्शन है आपकी वीडियो पर कोई भी कमेंट करे इसको भी अनेबल रहना देना है। एंड गाइस यहाँ पर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो डायरेक्ट गैलरी में सेव हो जाए तो यहाँ पर आपको इसको इस तरीके से ऑन कर देना है। देन यहाँ पर आप ड्राफ्ट में करना चाहते हो, वीडियो पोस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर हम तो पोस्ट करेंगे। सो गाइस फाइनली हमारी वीडियो पोस्ट हो चुका है। अब देखिए मैं आप सभी को बताता हूँ वहाँ पर आपको कौन से हैशटैग यूज करने थे। आपको सर्च बार में क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग में कुछ हैशटैग मिलेंगे जो कि अभी टिकी ऐप के ट्रेंड में चल रहे हैं। ये सब हैशटैग आपको यहाँ पर कहीं पर नोटबुक में या मोबाइल में नोट कर लेना है। उसके बाद जब आप वीडियो अपलोड कर दो वहाँ पर आपको ये सब हैशटैग पेस्ट कर देना है, आपकी वीडियो पर अच्छे व्यूज़ एंड लाइक आएंगे एंड आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। सो गाइस बस आपको टिकी ऐप में इतना ही सेटिंग करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दे दिया है। एंड गाइस आपको ये जानना है टिकी ऐप किस देश का ऐप है, क्या ये इंडिया में आने वाले फ्यूचर में बैन होगा ये नहीं होगा, इसके ऊपर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। ज़्यादा कमेंट आएगा तो आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएगा, टिकी ऐप किस देश का ऐप है, क्या ये इंडिया में बैन होगा ये नहीं। और गाइस आप सभी को मैं बता दूँ ये ऐप इंडिया में टिकटॉक और स्नैक वीडियो ऐप की पूरी जगह लेगा, क्योंकि इस ऐप को स्नैक वीडियो ऐप की जगह इंडिया में लॉन्च किया गया है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।